रहीम, वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ खजूर के लड्डू, जिसे आप खजूर के रोल भी कह सकते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आए हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जिस पर आपको रेसिपीज मिल जाएंगी। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लड्डू आप सर्दियों में बनाएं, सर्दियों में बहुत ही मज़े के लगते हैं, ये सर्दियों में ज़्यादा खाए जाते हैं। अब इसके इंग्रीडियंट्स बताती हूँ मैं आपको। इसके लिए मैंने लिया है 150 ग्राम खजूर ली है, इसको इस तरीके से बीच में गुठलियाँ अलग कर ली है। 1 टेबल स्पून पिसा खोपरा, 1 टेबल स्पून देसी मक्खन जो आपको बनाना सिखाया था, इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खजूर को थोड़ा कूट लेंगे, आप मशीन में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको आप इस तरीके से हाथ से भी कर सकते हैं। फ्राई पैन लिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी मक्खन। अब इसमें डालेंगे हल्की पिसी हुई खजूर जो हाथ से हमने पीस ली थी, इसको इसमें मिक्स करेंगे अच्छे। खजूर के लड्डू बनाने के लिए खजूर जो इसमें डाली थी मक्खन में देसी, उसमें ये मिक्स हो चुका है, एक पेस्ट बन गया है कि हम अगर लड्डू बनाए तो ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। देसी मक्खन डाला था, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है खजूर डालने के बाद। इसको भून लिया है अच्छे तरीके से, अब इसको करेंगे ठंडा और इसके बनाएंगे लड्डू। खजूर का लड्डू का पेस्ट जो बनाया है वो ठंडा हो गया है, अब इसको बनाएंगे लड्डू बॉल्स बनाएंगे इसकी। इसमें हाथ में थोड़ा सा घी लगाया है, इस तरीके से बनाएंगे और इसको करेंगे पिसे खोपरे में कोट करेंगे इसको, जिससे बहुत ही अच्छा लगेगा ये दिखने में। खजूर के लड्डू रेडी हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, सर्दियों की खास सौगात है। इसको सर्दियों में लाजमी बनाइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगे आपको। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।